Assalamu alaikum. This is me, Saida Maryam Bar from I-14, 3 Samal Model College for Girls. I'm here to explain my model about the prevention and precautions of coronavirus. हमने ये घर का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया है कि हम लोग घर में रह के खुद को सेफ रख सकते हैं, ठीक है. सो हमने यहाँ पे कैप्शन भी दिया, स्टे होम स्टे सेफ, राइट. और हमने यहाँ पे पब्लिक एरिया बनाया है जिसमें हमने ये जमीन खड़ी करके हमने बताया कि हमने सोशल डिस्टेंस पर रहना होता है, ठीक है. और ये हमने पूरा कोरोना का सेल बनाया कि हम लोग कोरोना बट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स का होता है, ठीक है. और ये हमने एक ग्राउंड बनाया है जिसमें हम लोग बता रहे हैं कि कम्युनिटी में वो लोग जैसे आपस में इंटरेक्शन वगैरह होते हैं तो उन पर कोरोना ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि वो लोग प्रिकॉशन वगैरह या यूजफुल मेजरमेंट्स नहीं लेते. So, first we have to take some preventions about COVID-19 about कि हमें कोरोना खुद को हम खुद को कोरोना से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट. तो फर्स्ट हम लोग अगर अननेसेसरी बाहर ना जाए, अगर तो हम घर पे रहें तो भी हम सेफ रह सकते हैं कोरोना से, सही है. अगर हम लोग बाहर जाते भी हैं किसी पर्पज़ के लिए या कोई हमें नेसेसरी कोई काम होता है, अगर हम बाहर जाते हैं तो हम खुद को कैसे प्रिवेंट करते हैं इससे, कि हमें सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंस रखना होता है खुद में, ठीक है. सोशल डिस्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जाहिर सी बात हमें कोई सोशल इंटरेक्शन वगैरह नहीं होगी या कोई भी इस तरह का काम नहीं होगा तो हम इससे बच भी सकते हैं. सेकेंडली हमने मास्क पहनना लाजमी होता है हमारे लिए, क्योंकि 95% जर्म्स हमारे मास्क के अंदर से एंटर नहीं हो सकते, तो हमें ये बॉडी को नुकसानदेह भी नहीं हो सकते, ठीक है. फिर मास्क हमारे इससे ज़्यादा ज़रूरी है. दूसरा हम लोग इससे हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग अपने हाथों को बार बार धोएं आफ्टर 2 मिनट्स, ठीक है. क्योंकि हाथों को धोना का पर्पज़ ये है कि जो हमारे पास कोरोना का सेल होता है, ये बेसिकली इसके अराउंड ना हमारे पास लिपिड लेयर होती है, ठीक है. तो जो कि बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, तो हम लोग हाथ को वॉश करेंगे या इस तरह सोप वगैरह का कोई इस तरह यूज़ करते हैं तो वो जो ऑयली लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है. सैनिटाइजर्स हम लोग इनकेस उस तरह यूज़ करते हैं कि हमारे पास वाटर नेसेसरी ना हो, या हम लोग बाहर कहीं जाते हैं या हमें खतरा होता है कि हमें इस पब्लिक एरिया से हम लोग को कोरोना लग सकता है या ये डिजीज़ हमें कॉज हो सकती है, तो हम लोग वहाँ सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. पर सैनिटाइजर का भी कुछ हार्मफुल इफेक्ट होता है. हम लोग इसको हाथ पे इस तरह हम लोग यूज़ करते हैं और भी चीज़ें हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी जो हाथों की लेयर होती है ना, इसको डैमेज कर देता है. तो हम लोग सडन कोई भी इंजरी वगैरह हो जाती है हमें, तो ये सैनिटाइजर में इतने हार्मफुल केमिकल्स वगैरह होते हैं कि वो दोबारा से रिपेयर नहीं कर सकता उस संसा पहले कर.